अब मैं और तमूर भाई जा रहे हैं सुपर सिटी, वहाँ पर बना जू वो देखेंगे, चलते हैं। यहाँ से जी हमारे जो गांव है वहाँ से ये नज़दीक है, 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर ये नई हाउसिंग सोसाइटी बनी है सुपर सिटी के नाम से। तो अब मैं और तमूर तक जा रहे हैं, साथ में लेकर चलते हैं आपको। आप देखता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे कैसा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे पीछे बनी हुई है सुपर सिटी। तो इधर मैं आया था, तो साथ में मेरा भतीजा है तैमूर। मैं और तैमूर भाई सुपर सिटी पहुंच चुके हैं जी। ये जी हम लाहौर में नहीं खड़े, ये हमारा खूबसूरत शहर साहिबाल है जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर ये हाउसिंग सोसाइटी बनी है सुपर सिटी के नाम से। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो एंट्रेंस है मेन की बहुत ही खूबसूरत दी है। तो मैं और तैमूर भाई पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो मैं आया था अपने गांव, तो तैमूर भाई से मुलाकात हुई, तो तैमूर भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर सुपर सिटी वालों ने बनाया ज़ू। तो मैं और तैमूर भाई पहुँच गए जी फिर टाक से इधर, और अब जाएँगे आगे। यहाँ से हार्डली कोई 400 से 500 मीटर के फासले पर ज़ू स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो ये इनिशियल स्टेज पर है, ज़ू को ये बना रहे हैं, लेकिन कुछ जानवर और परिंदे आ चुके हैं, और जैसे जैसे मज़ीद ये एक्सटेंड करते जाएंगे हम दोबारा भी चक्कर लगाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। अब चलते हैं आगे और चल कर देखते हैं। ये जिसकी मेन एंट्रेंस है, ये पार्किंग बनी हुई है। तो पार्किंग पर हमने मोटरसाइकिल अपना खड़ा कर दिया, पार्क कर दिया। अब मैं और तैमूर जा रहे हैं आगे ज़ू देखने के लिए, तो चलते हैं। ये जी एंट्रेंस है, अब जी हम एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं। वैसे लाग तो अच्छा रहा है, मसला ये है कि यहाँ पर टाइम 2 बजे हैं, तो धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे ये था कि आज धूप शायद ना निकले, क्योंकि जब मैं घर से चला हूँ तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तो धूप हो गई है, तो इस वजह से मुझे अब थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है, तो हमारी वीडियो के ऊपर इफ़ेक्ट ना आए धूप का। Thank you.
ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਜੂਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਯੇ ਦੇਖੇ ਸਫਾ ਜੀ ਯੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਕੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੇਂ ਵੀ ਤੋ ਜਬ ਆਪ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏਗੇ ਯੇ ਜੂਏ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਸਕੋ ਉਹਨੇ ਬਾਂਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਅਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਰ ਕਾ ਕੇਜ ਹੈ ਯੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਮਾਰੇ ਆ ਤੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੰਕੀ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਮੰਕੀਜ਼ ਜੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਰ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬ ਹਮ ਆਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਿਰਨ ਹੈ ਤੋ ਹਿਰਨ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਫਾ ਟੇਕ ਕੀਆ ਇਸਕੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰ ਜਾਤਾ ਔਰ ਆਗੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੜਤਾ ਤੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਸਮੇ ਬਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਿਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਉਨਕਾ ਕੇਜ ਥਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬ ਆਗੇ ਚਲਤੇ ਹਾਂ ਆਗੇ ਮੁਝੇ ਤੈਮੂਰ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਿਤਰ ਮੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤੋਤੋਂ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ ਹਮ ਮੁਝੇ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਗਾਲਬਨ ਇਸੇ ਮਕਾਓ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏਗਾ ਅਬ ਤੈਮੂਰ ਬਾਈ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ ਅਬ ਹਮ ਆਗੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਤਰਫ ਅਬ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਗੇ ਅਬ ਮੈਂ ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜੀ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕੋ ਯੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜ਼ੂ ਮੇਂ ਇਨ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ
ये जहाँ जहाँ पर अभी चाचा जी जाएंगे ये शेर उनके साथ ही फिरेगा। ये चाचा जी जरा इनू जरा चलाओ फिर आओ अपने नाल, यह देखो जी जंप मरवाओ। ये चिड़ियाघर बोलू मैं? हाँ जी बोलो बोलो। ये चिड़ियाघर है, ये बहुत अच्छे जानवर हैं, इनमें बहुत खूबसूरती है, आप एक दफा विजिट करें। और ये सुपर सिटी एशिया की कंपनी है, इनका टाउन है, इन्होंने चिड़ियाघर जू का इख्तिताह किया है। इसमें जानवर हैं, पैरट हैं, टाइगर हैं, शुतुर मुर्ग हैं और बंदर वगैरह हैं। अब मेरे और तैमूर के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर शेर साहब खड़े हैं। ये शेर है जी, इंडियन टाइगर है या बंगाली टाइगर इसे कहते हैं। तो ये हमारे पीछे है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत कैट है ये जी, और माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं, मुझे तो पसंद आई है। एक अंदर है और एक बाहर फिर रहा है अभी। जी अब हम शितर मुर्ग के पिंजरे के पास पहुंच चुके हैं। शितर मुर्ग हैं यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत है, ग्रे कलर में है, दो वाइट हैं और ब्लैक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब इनका व्यू। सफ़ा सलवा और दुआ जैनी, आपके लिए भी ये खुशखबरी है कि ये जो ज़ू है ये हमारे बिल्कुल घर के पास है। यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर ये ज़ू बना है। यहाँ पर अभी तक ये वाले बर्ड्स, ये परिंदे जानवर आ चुके हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इन्हें एक्सटेंड भी करेंगे और परिंदे और जानवर भी ला कर रखेंगे। अब तैमूर भाई किस जगह पर जाना है? हम अब मोर की तरफ, अब मोर देखने के लिए जा रहे हैं, अब उधर चलते हैं जी। अब जी जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, मैं और तैमूर, हमारे पीछे मोर हैं। मोर पहले इस जगह पर सारे फिर रहे थे, जब हमने बात शुरू करना शुरू किया तो मोर दूसरी साइड पर चले गया। देखिए पीछे मोर हैं, सफ़ेद ब्लू सारे कलर के मोर हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और चलें क्विक एक व्यू दिखाता हूँ आपको। पहले आप लें जी, ये बर्ड्स थे, ये चीज़ें थी। अभी जो ज़ू है इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, मज़ीद केजेस वगैरह और बना रहे हैं यहाँ पर। अभी ये इनिशियली स्टेज पर यह स्टार्ट इन्होंने किया था, तो जैसे जैसे इसे बढ़ाते जाएंगे फिर इंशाल्लाह हम दोबारा चक्कर लगाएंगे, फिर आपको दोबारा इसका विज़िट कराएँगे कि कितने परिंदे और जानवर मज़ीद आ चुके हैं। आज मुझे पता चला था तो मैंने कहा चलें चलते हैं, देख कर आते हैं किस किस्म का ज़ू बना है और कौन कौन से परिंदे और एनिमल्स इधर आए हैं। तो माशाल्लाह ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो पहली दफ़ा ये इंटरटेनमेंट साहिवाल के हिस्से में भी आई है, तो यहाँ पर ये सुपर सिटी वालों ने ये ज़ू बनाया। बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं,
مزید میں دیکھ رہا ہوں پیچھے مزدور وغیرہ مستری لگے ہوئے ہیں، یہ اس میں مزید کیجز اور بنا رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور بہت بہت اچھے جانور اور پرندے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ جی احمد، یہ بھی میرے چاچو کے بیٹے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے فالوور ہیں، اور یہ انہوں نے بھی یوٹیوب پر مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے، میرا چینل فالو کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں، اور احمد بھائی ساری خیریت ہے، گھر میں ساری خیریت ہے، چاچو رے بھی ٹھیک ہیں، چاچی بھی ٹھیک ہیں۔ یہ اپنے بھتیجے بھانجوں کے ساتھ آئے ہیں جی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، شافی ہے جی، یہ شافی بھی آیا ہوا ہے زو دیکھنے کے لیے۔ شافی کیا دیکھ رہے ہو؟ آجا ہم تو بھی آجا، چلو ادھر بتاؤ کیا کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ مرخا ہے، اور کون ہے؟ حرم ہے، حرم ادھر دیکھو، مرخا ادھر دیکھو، یہ آئے ہیں جی زو میں۔ چلو دعا سلوا اور صفا کو بھی ٹائٹ بائے بائے کر دو، صفا کو دعا کو۔ لیں جی، میں اور تیمور آئے تھے سپر سٹی، تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت ہی پیارا انہوں نے ویو دیا، ٹچ دیا یہاں سائی وال میں، تو یہاں پر ہم نے زو دیکھا، زو ابھی مزید ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ابھی مزید جانور پرندے یہ لے کر آئیں گے، تو مجھے تو بہت مزہ آیا اور بہت اچھی جگہ تھی۔ بس تھوڑی سی پرابلم ہمیں یہ ہوئی ہے کہ آج دھوپ نکل آئی ہے، تو دھوپ کی وجہ سے میرے کیمرے کی لائٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں کیسی بنی ہے اور کتنا اچھا میں آپ کو دکھا سکوں، یہ تو اب جب میں ایڈٹ کر رہا ہوں گا تب بھی پتہ چلے گا۔ تو یہ میرے پیچھے ان کا ویو ہے سارے کا سارا، ٹرائیکون والوں کا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ تو چلیں ملتے ہیں ایک نئی جگہ پر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔